दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट लैपटॉप अंडर 20,000, मतलब 20,000 के अंदर जो बेस्ट लैपटॉप है। ये सेगमेंट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं ये मानता हूं कि 90% से भी ज्यादा लोग इस सेगमेंट में वो होते हैं जो फर्स्ट टाइम लैपटॉप यूज कर रहे होते हैं या फिर वो लैपटॉप उनके लिए बहुत जरूरी होता है, वो वैल्यू फॉर मनी चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों 20,000 रुपए के अंदर नॉर्मली एंट्री सेगमेंट के ही लैपटॉप आते हैं। लेकिन मुझे अजीब सा लगा जब मैंने काफी सारे वीडियो देखे, मैंने कहा मैं रिसर्च कर लेता हूं ताकि अच्छे से अच्छे लैपटॉप आपके लिए ढूंढ के ला सकूं। तो मैंने देखा ज्यादातर जो यूट्यूबर्स है या फिर ज्यादातर जो वेबसाइट्स है उसके अंदर रिकमेंडेड है आपका, आप नेटबुक ले लीजिए, आप ईबुक ले लीजिए। मेरे भाई नेटबुक और ईबुक जो है वो लैपटॉप नहीं होता है। ये 13 इंच के जो, 12 इंच के, 10 इंच के जो आते हैं ना नेटबुक ईबुक, वो लैपटॉप नहीं होते हैं। लैपटॉप इज डिफरेंट थिंग। आप प्रोफेशनल है, स्टूडेंट हैं, आपको पूरे काम के लिए चाहिए। अगर आप लैपटॉप ले रहे तो उसके अंदर आप म्यूजिक भी सुनेंगे, आप इंटरनेट सर्फिंग भी करेंगे, उसके अंदर आप नॉर्मल जो है वो गेमिंग भी करेंगे और उस पर सोने पे सुहागा ये कि अगर आपको ओरिजिनल विंडो जो है मिल जाए। क्योंकि ओरिजिनल विंडो अगर आपको मिल जाती है तो सबसे पहली बात तो आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाती है। दूसरी चीज़ ये कि वायरस का खतरा जो है वो ना के बराबर हो जाता है क्योंकि ओरिजिनल विंडो के अंदर आपको इंटीग्रेटेड एंटीवायरस सपोर्ट मिलने वाला है। तो आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस स्मूथ देखने को मिल जाएगी, विंडोज़ की रेगुलर अपडेट देखने को मिल जाएगी और एंटीवायरस का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने इस चीज़ का खास ध्यान रखा कि जितने भी लैपटॉप मैं आपको बताने वाला हूँ सभी के अंदर आपको जेन्युइन विंडो मिलेगी विद लाइफ टाइम वारंटी। मतलब आप उसको यूज करेंगे, जब तक आप लैपटॉप यूज करने वाले आपको जेन्युइन विंडो का सपोर्ट मिलने वाला है। दूसरी चीज जो मैंने ध्यान में रखी है वो ये है कि अच्छे ब्रांड्स। जी हाँ दोस्तों, मैंने जो बड़े ब्रांड्स हैं उनका ध्यान रखा है क्योंकि हमेशा ये होता है कि कई लोग ये सोचते हैं ना कि लैपटॉप का प्राइस कम है तो उसके अंदर क्वालिटी कम हो जाएगी। नहीं दोस्तों, ब्रांड बड़ा होगा तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, कॉन्फिगरेशन भी अच्छी होगी। तो ऐसे में ढूंढ के लाया हूं मैं वो सभी लैपटॉप जो 20,000 की रेंज में आएंगे और कमाल धमाल परफॉर्मेंस आपको देंगे। बिना वक्त गवाए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है टेक वाणी। सबसे पहले लैपटॉप की जो बात करता हूं वो है लेनोवो का V110। दोस्तों ये 19,800 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिलने वाला है। AMD का A6 2.4 GHz की फ्रीक्वेंसी पर चलने वाला प्रोसेसर इसके अंदर आपको मिल जाएगा। 4GB की DDR4 RAM इसको मिलने वाली है जो कि लेटेस्ट है, यानी कि 2133 MHz की फ्रीक्वेंसी पे RAM चलती है और इसको आप 8GB तक बढ़ा सकते हैं। साथ ही आपको मिलेगी 500GB की हार्ड ड्राइव। विंडोज 10 का होम एडिशन इसके अंदर आपको मिलने वाला है। साथ ही आपको USB 3.1 का सपोर्ट भी मिलेगा, हालांकि 3.0 का भी मिलने वाला है, 2.0 का भी मिलने वाला है। HDMI सपोर्ट भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा, बाकी LAN पोर्ट, वेबकैम वगैरह, ब्लूटूथ, वाईफाई सब आपको मिलने वाला है। 15.6 इंच की आपको HD एंटी ग्लेयर स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। एंटी ग्लेयर स्क्रीन से क्या होता है कि दोस्तों आपकी आंखों पर जो ज्यादा असर नहीं पड़ता अगर आप ज्यादा तक काम करते हैं। 15.6 की जो स्क्रीन है उसके अंदर न्यूमेरिक पैड अलग से होता है, तो अगर आपको कैलकुलेशन का कुछ काम करना होता है तो काफी एडवांटेज आपको मिल जाते हैं क्योंकि न्यूमेरिक कीपैड आपको अलग से देखने को मिल रहा है, फटाफट उस पर आप हाथ चला सकते हैं। ये लैपटॉप अगर आपका 20,000 से कम की रेंज है तो डेफिनेटली आप इस चीज के लिए जा सकते हैं। और दूसरे लैपटॉप पे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी, पिछले गिव अवे का रिजल्ट आ चुका है। ये है वो 5 लोग जिनको गिव अवे मिल चुका है। गिव अवे मतलब कि 5 गेमिंग हेडफोन इनको मिलते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद इन लोगों को। और ये इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपनी डिटेल दे सकते हैं ताकि मैं गेमिंग हेडफोन इनको भेज सकूं। और जिन लोगों को नहीं मिला है वो ट्राई कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अगले गिव अवे में, क्योंकि अगला गिव अवे बहुत जल्दी आने वाला है, तो सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि अगले गिव अवे में मैं फॉर श्योर है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गिव अवे, अगर मैं 5 कर रहे थे कोशिश करूँगा इससे ज़्यादा करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गिव अवे मिल सके। अब दूसरे लैपटॉप की बात कर लेते हैं। दूसरा लैपटॉप है एसर का एस्पायर 3NX GNVS 011। दोस्तों अगर लैपटॉप के मॉडल नंबर आपको याद करने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो मैं उसके मॉडल नंबर जो है वो नीचे डिटेल में दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके डायरेक्टली वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो सकते हैं और वहाँ पर जाके आप अपना पूरा डिटेल में लैपटॉप को चेक कर सकते हैं और पसंद आए तो उसको खरीद भी सकते हैं। कॉन्फिगरेशन की अगर बात करूँ तो इस अंदर आपको AMD का E2 9000 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 1.8 GHz की फ्रीक्वेंसी पर चलता है और टर्बो बूस्ट करने पर 2.2 GHz की फ्रीक्वेंसी तक जाता है। 19,986 रुपये इसका आपको प्राइस देखने को मिलेगा। इस अंदर आपको भी प्रीलोडेड विंडोज 10 का एडिशन 64 बिट का देखने को मिल जाएगा। 64 बिट का होने से फायदा ये हो जाता है दोस्तों कि जो गेमिंग होती है 64 बिट की या फिर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इसमें आराम से चल जाते हैं। 4GB की इसमें आपको DDR RAM देखने को मिल जाएगी जिसको 8GB या 12GB तक आप बढ़ा सकते हैं, तो फुली अपग्रेडेबल है। फ्यूचर में भी आप RAM बढ़ा के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1TB की इसमें आपको हार्ड डिस्क देखने को मिलेगी जिसको आप 2TB तक बढ़ा सकते हैं। वही 15.6 इंच की आपको HD स्क्रीन देखने को मिलेगी जिसमें न्यूमेरिक पैड अलग से देखने को मिल जाता है। 2.1 kg का इसमें आपको वेट देखने को मिलता है। 5.5 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। बाकी USB 3, USB 2, HDMI पोर्ट, कार्ड रीडर वगैरह सबका सपोर्ट आपको देखने को मिलने वाला है। ब्लूटूथ, वाईफाई, वेबकैम वगैरह
एक जो कोन है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको डीवीडी राइटर नहीं देखने को मिलेगा, वो इसका कोन भी हो सकता है। हालांकि आज की तारीख में इतने लोग डीवीडी राइटर वगैरह सीडी राइटर इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर आपको लैपटॉप पसंद आता है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी से देखने को मिलने वाली है, विंडोज 10 भी जेन्युइन मिलने वाला है, ब्रांड भी काफ़ी अच्छा है, लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में आप उस पर जाके इसको देख सकते हैं। तीसरे लैपटॉप पे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम, क्योंकि हमारी रेंज कम होती है तो हम सोचते हैं हम सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीद लें। ऐसे में मैं आपको एडवाइस दूंगा कि सेकेंड हैंड लैपटॉप के लिए बिल्कुल मत जाइएगा दोस्तों। सिर्फ एक मैं बता दूंगा किस वजह से जा सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि हमेशा ये सोचिएगा कि कोई इंसान क्यों अपना लैपटॉप बेच रहा है, तो उस लैपटॉप से वो परेशान है या फिर उसके अंदर कोई कमी है, इस वजह से उस लैपटॉप को बेच रहा होगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होते हैं वो पुराने होने के बाद कितने चलेंगे, आउट ऑफ वारंटी होने के बाद कितने चलेंगे, ये तो खुद कंपनी भी नहीं बता सकती। अगर मेरे पास आज एक इलेक्ट्रॉनिक, मतलब एक सिंपल सी बात करता हूँ, अगर मेरा बल्ब भी है ना तो कौन सी बार में फ्यूज होने वाला है मुझे नहीं पता है। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक आइटम पुरानी खरीदने से थोड़ा परहेज कीजिएगा, अगर जो मैंने बताया कि कैसे ले सकते हैं, अगर वारंटी में है। जैसे मान लीजिए किसी ने अभी बिल्कुल नया लिया है और 8-10 महीने की वारंटी बची हुई है और शायद उसको अपग्रेड मॉडल चाहिए था, अगर लकीली आपको ऐसा कोई लैपटॉप मिलता है तो आप उसके लिए जा सकते हैं, अदरवाइज मेरी एडवाइस यही रहेगी कि पुराने लैपटॉप के लिए मत जाइएगा। तो तीसरे लैपटॉप के बारे में बात स्टार्ट करते हैं। तीसरे लैपटॉप की अगर बात करें तो वो है एसर का एस्पायर, जो आपको 17,990 रुपए का मिल जाएगा। इसके अंदर आपको इंटेल का ड्यूल कोर प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि 1.6 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर चलता है और टर्बो बूस्ट करने पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर चलेगा। इसके अंदर आपको 4GB की रैम देखने को मिलने वाली है, जिसको आप 8GB तक बढ़ा सकते हैं। वहीं 1TB की हार्ड ड्राइव देखने को मिलेगी, जिसको आप 2TB तक बढ़ा सकते हैं। 15.6 इंच की फुल HD स्क्रीन देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको फुल HD स्क्रीन देखने को मिलने वाली है और 7 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, और साथ ही आपको कार्ड रीडर वगैरह ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट इसके अंदर मिलने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ E2 मॉडल की, जो 17,990 रुपये में मिलता है। अगर आप इसका एक फास्टर वर्जन चाहते हैं जो कि A4 है, तो वो 19,990 रुपये का देखने को मिलेगा। दोनों ही वर्जन की डिटेल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप और उसको जाके आप देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप फास्टर वाला वर्जन ले लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। चौथे लैपटॉप की तरफ बढ़ने से पहले एक एडवाइस मैं और देता हूँ दोस्तों आपको। कई बार जब आप ऑनलाइन जब आप बाय करते हैं ना, तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। कई बार ब्रांड तो अच्छा होता है, लेकिन जो सेलर होता है उस सेलर के भी रिव्यूज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सेलर के रिव्यूज़ कैसे हैं, उसकी रेटिंग कैसी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ब्रांड बहुत अच्छा है, लैपटॉप बहुत अच्छा है, लेकिन सेलर बहुत बेकार है। तो सेलर क्या करता है, कई बार उसको दोबारा पैक कर लिया या ठीक आइटम को नहीं दिया, ये चीज़ें हमेशा सेलर के भी रिव्यूज़ देख लीजिएगा। और जो अमेजोन के जो प्रेफरेंस होते हैं ना कुछ, उसको अगर आप प्रेफर करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अमेजोन के वो अच्छी रिव्यूज़ और रेटिंग वाले जो हैं वो सेलर होते हैं। तो बात करते हैं अब चौथे लैपटॉप के बारे में। ये लैपटॉप है आसूस का A55 3MA BINA XX150B। दोस्तों अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई लैपटॉप के मॉडल के बारे में कोई भी दिक्कत हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाएगा, क्योंकि नाम इतने लंबे हैं कि खुद मुझे याद करने में दिक्कत हो जाती है। तो मैं समझ सकता हूँ कि इतनी छोटी सी मैंने फटाफट बता दी तो शायद आपको रिमेंबर करने में दिक्कत हो जाए, तो उसकी तरफ जाके आप देख सकते हैं। प्राइस इसका 18,500 रुपये आपको देखने को मिलेगा। इस लैपटॉप के अंदर आपको 2 साल की वारंटी मिलने वाली है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने अभी कॉलेज स्टार्ट किया है, या फिर आप प्रोफेशनल और आप चाहते हैं कि मेरे को लंबे टाइम तक थोड़ा सपोर्ट चाहिए, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लैपटॉप है, जिसके अंदर कंपनी ही 2 साल की वारंटी दे रही है। तो वो अगर खुद इतनी ट्रस्टेड है कि 2 साल तक तो कुछ होने वाला नहीं है, तो इसका मतलब फॉर श्योर 3-4 साल तक तो कुछ नहीं होने वाला है। तो मतलब आप कॉलेज स्टार्ट करेंगे तो एंड तक इस लैपटॉप को बड़े आराम से चला पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो इसके अंदर आपको 2.16 गीगाहर्ट्ज़ का इंटेल पेंटियम प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। साथ ही आपको 2GB की DDR3 रैम देखने को मिलेगी, जिसे आप 4GB या 6GB तक बढ़ा सकते हैं। 500GB के अंदर आपको हार्ड डिस्क देखने को मिल जाएगी। 15.6 इंच की इसके अंदर आपको HD डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। साथ ही आपको DVD राइटर का सपोर्ट मिल जाएगा, यानी कि DVD रीड राइट दोनों कर सकता है, CD भी रीड राइट दोनों कर सकता है। सोनिक मास्टर का इसके अंदर आपको साउंड कार्ड देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आप हेडफोन वगैरह लगा के म्यूजिक सुनते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। विंडोज 8.1 का आपको सपोर्ट मिलेगा, जो 64-bit पे चलती है। साथ ही वाईफाई ब्लूटूथ कार्ड रीडर वगैरह VGA पोर्ट और HDMI का सपोर्ट आपको मिलने ही वाला है। सो दोस्तों एक तरह से ये कंप्लीट लैपटॉप्स हैं, जिसके अंदर आपको विंडोज़ की बात करें या फिर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड की बात करें या फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन की बात करें या स्क्रीन साइज़ की बात करें, ये सभी चीज़ें इसके अंदर मिलने वाली है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको किसी तरीके से सपोर्ट कर पाया होगा इस चीज़ में कि आपको जो लैपटॉप चाहिए 20,000 की रेंज में शायद आपको मिल जाए। इसी तरीके के वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मुझे काफ़ी हौसला मिलता है और मेहनत करने में और मज़ा आता है। मैं जल्दी ही मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।